शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये रहे आपके दिए सारे चेक, दौलत से आपकी इज्जत है ना, रख लीजिए ने, आपकी इज्जत कुछ और बढ़ जाएगी। नमस्ते। तुम्हारी उड़ा ले जाने वाली तरकीब ठोस हो गई यार, लोग तो हथेली पे दिल रखे इंतजार करते रहे और सरकार सफा सफा लटका गई अपने। ये तो मैं पहले ही जानता था कि आज की याद करेंगे और नींदें हमारी आराम। क्या कहा आपने, मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा, मेरी पिक्चर से लाखों रुपये कमाए हैं आपने और मैं। हिंदी सिनेमा के किसी फिल्म मेकर को अगर माइलस्टोन के तौर पर याद किया जाए तो वो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर गुरुदत्त के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसे लोगों जैसी थी जो जिंदगी भर किसी नई चीज की तलाश में उलझे रहते हैं। यही तलाश उन्हें हमेशा बेचैन रखती है और यही बेचैनी अक्सर उनसे कुछ ऐसा करवा देती है जो इतिहास बन जाता है। गुरुदत्त के कैरेक्टर की ये अजीब सी खासियत थी कि अपने ही क्रिएशन से वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, इसीलिए शूटिंग में वो एक ही शॉट के कई कई रीटेक्स लेते थे, फिर भी उन्हें पूरी तसल्ली नहीं होती थी। इसी तरह उन्हें ना सुनना कभी मंजूर नहीं था। तभी तो प्यासा के लीड रोल के लिए दिलीप कुमार के मना कर देने पर सेम कैरेक्टर में खुद को उतार कर उन्होंने प्यासा को कल्ट बना दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करूंगी ना। जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दूंगी ना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते हुए तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए ना खुश हो। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटका के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पैदाइशी नाम वसंत कुमार पादुकोण था, लेकिन उनकी माँ वासंती पादुकोण ने उसे बदलकर गुरुदत्त कर दिया। अपने बच्चों में वो उन्हीं से सबसे ज्यादा लगाव रखती थी, शायद इसीलिए कि उनकी जिद और उनके हुनर को वो अच्छी तरह समझती थी। कला की तरफ गुरुदत्त का इंटरेस्ट बचपन से ही था। उनकी ग्रैंड मदर रोज शाम को दिया जलाकर जब भगवान की आरती उतारती तो उस दिए की रोशनी में गुरुदत्त दीवार पर अपनी उंगलियों की परछाइयों से तरह तरह की इमेजेस क्रिएट करते जो इतनी आर्टिस्टिक होती कि उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। गुरुदत्त के फिल्म करियर की शुरुआत 1944 में पुणे बेस्ड प्रभात स्टूडियो से बतौर कोरियोग्राफर हुई थी। बाद में वो फिल्म हम एक हैं के डायरेक्टर पीएल संतोषी को असिस्ट करने लगे और उसी दौरान देवानंद से उनकी फ्रेंडशिप हो गई, जो इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे। अपनी फ्रेंडशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों ने तय किया कि गुरुदत्त एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म देवानंद के साथ बनाएंगे और देवानंद जब भी अपनी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उसके डायरेक्टर गुरुदत्त होंगे। प्रभात स्टूडियो से निकलकर गुरुदत्त ने फेमस स्टूडियो ज्वाइन किया और उसके बाद फिल्म मेकर्स अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी के साथ भी जुड़े।
जब देवानंद ने अपना बैनर नवकेतन फिल्म्स एस्टैब्लिश किया, तब अपनी फिल्म बाजी के डायरेक्शन के लिए उन्होंने गुरुदत्त को इनवाइट किया। क्राइम थ्रिलर बाजी बॉलीवुड में बनने वाली अपने टाइप की पहली फिल्म थी, जो इंडियन सिनेमा के लिए ट्रेंड सेटर बन गई। शहर के मशहूर रईस, जिनका नाम सुनकर हजारों के सारे इज्जत से झुक जाते हैं, जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, शराफत के पुतले, इखलाक की मुजस्सम तस्वीर। ये लो। गिनने की क्या जरूरत है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम्हारी जबान बंद रहेगी? फिलहाल तुम रजनी से नहीं मिलोगे? फिलहाल तुम चालाक आदमी और मुझे चालाक आदमी पसंद है। आप गुरु हैं, मैं चेला। लेकिन याद रखो, बिल्ली 99 दांव सिखा देती है, एक अपने पास रखती है। आपको कभी वो दांव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ क्यों? इसलिए कि चाहे तुम कितने ही जलील हो, तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुम्हारा भी और रजनी का भी। मेरे हाथ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये 10,000 रुपए अपनी तरफ से किसी बड़े काम के लिए दान कर देना, ताकि तुम्हारी शोहरत पे चार चांद लगे। देवानंद के साथ ही गुरुदत्त ने अपनी दूसरी फिल्म बनाई जाल। 20, 40, 60, 90 जरा मुस्कुरा दो तो 10 और मिलेंगे। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड फिल्म बाज में उन्होंने डायरेक्शन के अलावा हीरो की भी भूमिका निभाई। अगले कुछ सालों में आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा के रूप में गुरुदत्त ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो ना सिर्फ कमर्शियली हिट हुई, बल्कि दुनिया के बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर के तौर पर उनकी एक अलग पहचान बन गई। सच कहता हूँ जीजी, जेलर तो जान छिड़कता था मुझ पर। लौटते वक्त कहने लगा, कालू भैया तेरे बगैर तो जेल सूना हो जाएगा। इतने इतने मोटे आंसू थे उसकी आंखों में। और क्या बताऊं जीजी, अपना भी दिल भराया, लेकिन मैंने कहा फिक्र न करो जेलर भाई, जल्दी लौट आऊंगा। क्या करूं, अपना मॉडल ही कुछ ऐसा रुबाबदार है कि जिधर जाता हूं वहां लड़कियां घेर लेती। सोचा एक्टर भाई बन जाऊं, लेकिन फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं, वरना हीरो का चांस तो सफा सफा खुला हुआ। शक्ल देखी है आईने में? अजी वो तो लोगों की आंखों में ही देख लेता हूँ। तुम इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहते हो? बड़े मजे में, आदत जो पड़ गई है। तुमने शायद इससे बेहतर जिंदगी नहीं देखी, इसीलिए ऐसा कहते हो। और आपने शायद वो जिंदगी नहीं देखी जो लाखों बेचारे फुटपाथ पे गुजारते हैं। मेरी हालत तो उनसे कहीं बेहतर है। तुम कम्युनिस्ट हो? जी नहीं, कार्टूनिस्ट। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है। मत लगने दो, मैं कहती हूँ मत लगने दो, बहुत बुरी होती है दिल की रखी। होता क्या है? भूख नहीं लगती और लोग जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। इसकी तो फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो दो चार रोज भूखे रहने के बाद भी रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती तो केक बिस्किट तो नहीं खा लेते? अरे हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल सूझा ही नहीं। आप बड़ी होशियार मालूम होती हैं। तुम भी कुछ ऐसे बुरे नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्री, कुछ अजीब सा नाम है ना? दो चार बार बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की CID, जिसमें वो एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों से दूर रहे। हेलो, मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो,
हो सके तो रुपए से, या समझे? आप इससे पहले कितनी बार जेल जा चुके हैं? 3 बार। पहली बार किस लिए? चोरी के लिए। दूसरी बार किस इल्जाम में? बलवा। और तीसरी बार किस सिलसिले में? तीसरी बार किस सिलसिले में आप गए थे जेल में? डकैती के लिए। बहुत खूब, दिन ब दिन तरक्की हो रही है, यानी कि सिर्फ खून करना बाकी था। मैं ये मानता हूं माई लॉर्ड का कैदी मरने से पहले 3 घंटे तक मेरे साथ चार्ज रूम में मौजूद था, जैसा कि सरकारी वकील साहब ने अभी अदालत को बताया। सरकारी वकील साहब को इस बात से भी इनकार ना होगा कि कैदी की मौत हवालात में पहुंचने के 5 मिनट बाद हुई। तो क्या मैं पूछ सकता हूं माई लॉर्ड कि एक आदमी को मारने के लिए हमेशा 3 घंटे दरकार होते हैं? क्या ये काम 5 मिनट में नहीं हो सकता? डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कैदी की मौत 1 जरब से भी हो सकती थी। ये जरब में लौट 3 घंटे में भी पहुंचाई जा सकती थी और 5 मिनट में भी। मैं अदालत के सामने सिर्फ एक बात पेश करना चाहता हूं। एक तरफ इन 2 पेशेवर मुजरिमों का बयान जिनकी तमाम जिंदगी जेल खाने में कटी है, और दूसरी तरफ उस पुलिस अफसर का बयान जिसकी 10 बरस की नौकरी में एक धब्बा नहीं आया उसके नाम पर। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने हीरो के तौर पर देवानंद को साइन किया तो अपने असिस्टेंट राज खोसला को डायरेक्शन के लिए आगे कर दिया। तो इसी बात पर क्यों ना गुरुदत्त के कुछ बेहतरीन सीन्स देख लिए जाएं। ये कार्टून तुमने बनाया है? जी हाँ। ये मैं और यनिता है? जी हाँ। ऐसी शक्लें हम लोगों की? जी हाँ। मजाक उड़ाया है तुमने हमारा, इसका नतीजा जानते हो? जी हाँ। अब तुमसे कोई संबंध रखना हमारी बेइज्जती है, मैं फौरन तलाक चाहती हूँ। आप? लेकिन मेरा तो ख्याल था शादी मैंने अनीता से की थी। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। तुमने वादा किया था जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा। मेरी चहेती पत्नी भी इसके लिए राजी है? वो तुम्हारी चहेती पत्नी नहीं। वो मेरी बीवी नहीं? तो फिर मुझसे तलाक क्यों मांगती है? और आप शायद भूल रही कि तलाक मैं नहीं, अदालत मंजूर करेगी। अदालत की मंजूरी के लिए 50 वजह बयान की जा सकती है। मसलन यही कि तुम अनिता के साथ बुरा सलूक करते रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो पहले मुझे उसके साथ थोड़ा सा बुरा सलूक करने का मौका दे दीजिए, फिर तलाक की वजह पैदा हो जाएगी। क्या मतलब? अदालत ये पूछेगी ना कि जब हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रहे तो मैं उसके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकता। तो तुम्हारा मतलब है तलाक से पहले तुम्हें अनिता को साथ रहना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि तलाक के बाद साथ नहीं रह सकते। तो उसके बिना तुम तलाक नहीं दोगे? आपकी शर्तों पे नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई शरीफ इंसान तुमसे बातें करे। अब मेरा वकील ही तुमसे अदालत में बात करेगा। तो आपके वकील साहब शरीफ नहीं है क्या? ए बाबू साहब, पैसे लायो, आज उधार नहीं मिलेगा। ये तो खोटा है। हाँ हाँ खोटा है, दूसरा है पास या नहीं? अच्छा तो ये चाल थी, जानबूझकर खोटा रुपया लाए थे। खाना मंगवा कर जो प्लेट झूठी कर दी उसका दाम कौन चुकाएगा? दाम चुकाओ नहीं तो कोर्ट तुम्हें उतार लूंगा, समझे? छोकरा ले जाओ प्लेट। रखो खाना वहीं। ये ले अपने दाम, बाकी के पैसे किसी हज्जाम को दे देना, शक्ल इंसानों जैसी कर देगा तेरी। चल जाए यहां से। खाना खाओ तुम। भूख नहीं है मुझे। है कैसे नहीं? लो खाओ।
आपको मुझ पे तरस खाने का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी नाराजगी का बुरा न मानिएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नाराज होना भी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। आप अपनी कसम क्यों देती है मुझे? आप मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। खूब जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी नज़्मों और ग़ज़लों से। जब तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिए तो अब जानने को क्या बचा है। मैं आपको समझ नहीं सका। उस दिन तो आप, तुम बार बार मुझे आप क्यों कहते हो? कुछ अजीब सा लगता है मुझे। हाँ दिखाओ जरा, ये नाखून हमें भी साथ। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? जी इस पार्टी के लिए उन्होंने। अच्छा, तब काम से ज्यादा पार्टियों में दिलचस्पी लेने लगी। यहाँ का रंग तुम पे इतनी जल्दी चढ़ जाएगा इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। क्या खाक सुनो, कल तुम्हारी शूटिंग है, पावो बनना है। एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की, तुम्हारे सर पे जंगली बेल लेके खाक शूटिंग करूंगा। 10 दिन तक नहीं सुन सकती। मैंने जानती थी वो लोग मेरा ये हुलिया। तुम शायद समझती हो बहुत खूबसूरत हुलिया बना रखा है तुमने। इस वक्त बंदरिया नजर आती हो, बंदरिया। जी अच्छे खासे भोले भाले चेहरे का सत्यानाश कर डाला है तुमने। किसी के बहकाव में आने से पहले मुझसे तो पूछा होता कि तुम्हारे सादगी में कितनी कितनी कशिश थी जी? और नहीं तो क्या, मजाक कर रहा हूं मैं? कौवे को हंस की चाल चलते सुना था, हंस को कौवे की चाल चलते पहली बार देखा। जाइए मौज कीजिए अपनी पार्टी में। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थीं कि जैसे मुर्गी चावल के दाने पर। क्या जमाना आ गया है, कपड़े अच्छे हों तो इंसान की खट से इज्जत होने लगती है। मदन, ये अचानक पैसे कहाँ से मिल गए? मिल गए? कल दोपहर को मैं कंपनी बाग में एक बेंच पर बैठा कुछ सोच रहा था कि एक आसमान से रुपयों की बारिश होने लगी। बस मैंने झोली भर ली। मदन, उस दिन की बातों से बिगड़ कर तुमने कोई ऐसा काम कर डाला है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने आप को किसी खतरे में डाल लिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? समझ गया, तुम इसलिए नाराज हो रही हो कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे बराबर का दिखाई देने लग गया। तुम चाहती थी कि मैं उसी तरह फटे हाल में रहूं ताकि तुम मुझ पर तरस खा सको, मेरी इमदाद कर सको और कभी कभी। आप जाइए यहां से। माफ कीजिए, आपका वक्त जाया किया। सलाम साहब। बाजी की तरह आर पार भी एक क्राइम थ्रिलर थी, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के साथ साथ गुरुदत्त ने छोटे से छोटे कैरेक्टर्स को भी जिस तरीके से पेश किया उससे फिल्म को विजुअलाइज करने का उनका अंदाज पता चलता था। रोमांटिक कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस 55 में मधुबाला के साथ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागने वालों पर तंज कसा है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्में बनाने के बावजूद गुरुदत्त ने डायरेक्शन से हमेशा के लिए क्यों तौबा कर ली। तब तक के लिए मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।